दिलक्यारा टनल से मजदूरों की सकुशल वापसी की खुशी में देहरादून में इगास मनाई गई और इस मौके पर श्रमिकों के साथ परिजन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी परिजनों का माल्यार्पण करने के साथ ही शोल उड़ाकर उनका स्वागत किया और इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य की लोक संस्कृति के से श्रमिकों के परिजन को रूबरू हुए और सांस्कृतिक नृत्य से परिजनों ने भागीदारी कर हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई और अपने परिजनों के साथ सकुशल टनल में फंसे टनल से बाहर निकलने पर उनके द्वारा खुशी जाहिर की गई। उन्होंने इसके साथ ही मुख्यमंत्री को भी वहां पर मौजूदगी रही और उनके साथ इगास पर्व मनाया गया। मजदूर भाई जो हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे और टनल बनाते समय जिस प्रकार से सुरंग में फंस गए थे वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी था और एक लंबा रेस्क्यू अभियान लगभग 16-17 दिनों तक लगातार चला है। और इस दौरान जहां दिवाली के दिन से ये प्रारंभ हुआ, दिवाली के दिन से उनको निकालने का और सूचना मिली, उसके बाद दिवाली आई, दिवाली के बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और इसी बीच में इगास जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और इस लोक पर्व पर हमने पिछले वर्ष से पूरे प्रदेश का अवकाश भी घोषित किया, बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी हम लोग मनाने की योजना थी लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, ऐसे में जहां हमारे 41 भाई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उस समय में किसी भी प्रकार से क्योंकि प्रदेश के अंदर ये घटना हो रही थी तो हम लोग उस समय इस पर्व को उस तरीके से नहीं मना पाए। एक सांकेतिक रूप से पर्व को हम लोगों ने मनाया था, गौ पूजन तक यहाँ पर सीमित कर दिया था और मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी असली दिवाली, असली बग्वाल, असली इगास, असली हमारी गोवर्धन पूजा सभी पर्व हमारे उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे।